मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता ही है कि काफी ज्यादा इंडिया से काफी ज्यादा लोग कनाडा जा रहे हैं या फिर किसी और फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बेशक आप विजिटर वीजे पे जा रहे हो या स्टडी वीजे पे जा रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो, स्पाउस वीजे पे जा रहे हो, तो आपका जो वीजा आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, क्योंकि उन्हीं फेक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और कई बार आपके ऊपर बैन भी लग जाता है। तो आज के टाइम में अगर आपने इजिली वीजा लेना है तो आपका SOP, जिसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर कवर लेटर भी कहते हैं, वो आपका बहुत ही इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कवर लेटर अच्छा बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर है उसने आपका SOP ही पढ़ना है। वहां से उसे पता चलेगा कि आप कौन से वीजे पे जा रहे हो, क्या कारण है आपका जाने का, और आप वापस आओगे, क्यों आओगे, और क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं। तो आपका SOP इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने SOP बनाया, 5-6 पेज लगा दिए, तो इतना टाइम भी किसी ऑफिसर के पास नहीं है कि वो आपका 5-6 पेज का SOP पढ़ेगा। तो आपका जो SOP है, जिसे कि आप कवर लेटर कहते हैं, वो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का ही होना चाहिए। जब आप अपना कवर लेटर तैयार करते हो तो सबसे पहले उसका जो अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे हम अपने स्कूल में कोई लेटर लिखते थे टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, वैसे ही आपने अपने SOP को स्टार्ट करना है टू द एम्बेसी या टू द वीजा ऑफिसर। और उसके बाद आता है मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्ट को पढ़ के पता चले कि आपने कौन सा वीजा अप्लाई किया है, कितने दिन का किया है। तो उसमें आपने जैसे अपने विजिटर वीजा अप्लाई किया तो उसमें आप शॉर्ट में लिखो कि मैंने विजिटर वीजा अप्लाई किया है, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए किया है, या आप घूमने के लिए जा रहे हो, या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करनी है, या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी है, तो बहुत सारी डिटेल आप सब्जेक्ट में दोगे ताकि जो वीजा ऑफिसर से पता चल सके कि आप इतने दिन के लिए वहां जा रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो पैराग्राफ में क्या है, आपने अपनी पूरी डिटेल देनी है, अपने बारे में सारा कुछ बताना है, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, और आप क्यों जा रहे हो, अब वापस आओगे, तो वो सारा कुछ आपने उसमें लिखना है पैराग्राफ में। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी डिटेल देनी है, लेकिन आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, उसमें लिखना है ताकि वीजा ऑफिसर को समझ आ सके। उसको ऐसे नहीं बनाना, उसको आपने पूरा इफेक्टिव तरीके से तैयार करना है। मींस कि आपका आज के टाइम में आपका वीजा जो लग रहा है तो वो आपके SOP के ऊपर ही टिका हुआ है। वीजा ऑफिसर को आपने इम्प्रेस करना है अपने SOP के द्वारा। अगर आपका SOP अच्छा बना हुआ है, कवर लेटर अच्छा बना हुआ है, तो आपको इजिली वीजा मिल जाएगा। और इसके साथ आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक निकलता है तो आपको रिजेक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके साथ साथ आपके ऊपर 5 साल का बैन भी लग जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपका अपना SOP बिल्कुल इफेक्टिव बनाए ताकि आपको इजिली वीजा मिल सके। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी है आपके लिए। ज्यादा डिटेल में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस नोट कर सकते हैं आप, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट पटियाला। और अगर आप पटियाला से बाहर से हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर्स के ऊपर फोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कनेडियन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही सारी जानकारी दी जाएगी। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।